गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि माय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेट की क्लासों का एंजॉय कर रहे होंगे आप और अपने सपनों को बुन रहे होंगे आप। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये ईवीएस की क्लास है और मैं आपके सामने हूं अभिषेक त्रिपाठी, और ये प्लेटफॉर्म है माय एकेडमी का, जो लखनऊ की एक कोचिंग संस्था है, जो टॉप लीडिंग संस्था है, जो दिनेश सर, विवेक सर और महेन सर और कृष्णा शुक्ला सर के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, इसमें अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी भूमिका आप इसमें अदा करते रहिए। दोस्तों, कहा गया है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, क्यों न कितना भी बड़ा हो, क्यों न कितना भी कठिन, हर नदी की धार से पत्थर को टूटना पड़ा है, पत्थर को टूटना पड़ा है। मेरे साथियों, आज की क्लास में मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको लेके चल रहा हूँ सीटेट क्लास की दुनिया में। दोस्तों, आज की क्लास में ईवीएस के उस सेक्टर को हम लोग देखेंगे जिसमें जो ईवीएस, देखिए ईवीएस को कहते हैं जिसमें सोशल साइंस के भी कुछ पार्ट हों, पॉलिटी के पार्ट हों, एनवायरनमेंट का पार्ट हो, साइंस का पार्ट हो, यानी सब कुछ मिला के हमारा विषय बना हुआ है, इसीलिए एक बृहद है और इसमें बहुत सारी विविधता है इस विषय में। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप ज़रूर लगाएं, और इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि इसके बाद एनसीईआरटी के जो नोट्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स जो हैं, ये आपको नोट्स में डाउनलोड में आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लिखना ना चाहें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम स्लाइड पे लिखते हैं, वो एनोटेशन के तौर पे अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको वीडियो के दौरान देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मंजरी मैम। आइए, आज की क्लास में हम आपको ले चलते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने का वही तरीका, फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक ही तरीका है कि पिछले सालों के क्वेश्चन लगाइए, वहाँ से आपको आइडिया आ जाता है कि पेपर कैसा आएगा, और फिर आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, और जब आप माय एकेडमी में जुड़ गए हैं तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। बस आप ध्यान से सुनते रहो, आप भी चाहोगे तो भी अपना सिलेक्शन रोक नहीं सकते हो, ये एक बार आप खुद आजमा के देख लो। आओ चलते हैं दोस्तों, मेरे साथियों अगर दिख रहा हो और मेरी आवाज़ आपके सामने आ रही हो, एक बार और स्माइल करके मुझे इजाज़त दो आज की क्लास में और आगे चलने के लिए। अगर मेरी आवाज़ आपके पास आ रही हो तो एक बार स्माइल करके इजाज़त दो, उन एनर्जी दो कि मैं क्लास को और आगे ले चलूं। ऋषिका कुशवाहा एंड मंजरी जी, आपका वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं लेके चलता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। पक्षियों के बारे में मैंने दो तीन भागों में कुछ चीज़ें बताई थी, आज की क्लास में भी कुछ अच्छी चीज़ है आपके सामने आ रही है। देखिए, अगर पक्षियों के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो पक्षियों के पास भी दो आँखें होती हैं, उनके सिर जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ। दोस्तों याद रखिएगा, एक बार का क्वेश्चन है कि किस जो ऑप्शन दिए होते हैं, किस बहुविकल्पी प्रश्न में वो कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आँखें आगे की तरफ होती हैं, तो उसमें चिड़िया ही उसका आंसर है। चिड़िया के ही केस में हम लोग देखते हैं कि आँखें जो होती हैं वो आगे की तरफ शिफ्टेड होती हैं। चिड़िया के केस में आँखें जो होती है आगे की तरफ शिफ्टेड होती है मेरे साथियों। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चिड़िया के पास दो आँखें हैं जो दोनों तरफ हैं, ये उनके, अच्छा चिड़िया की एक खासियत होती है कि उनको दो तरफ देखने की क्षमता होती है, वो दो दिशाओं में देख सकते हैं, वो सिर के दोनों तरफ देखकर फोकस कर सकते हैं मेरे क्लास। तो चिड़िया के पास ऐसी एबिलिटी आप देखने को मिलेगी जिसमें एक बर्ड, एक चिड़िया क्या कर सकती है, अपने दोनों आंखों को जो आगे के तरफ सिचुएटेड है, स्थित है। धीरेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल, कैसे हैं धीरेंद्र जी? चलिए देखते हैं, दोनों जो आंखें हैं वो दोनों तरफ फोकस कर सकती हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि चिड़िया की जो, अगर हम सिर की बात करें, हेड की बात करें, तो याद रखिएगा इनका हेड जो होता है मोनोकॉन्डाइलर होता है। मोनोकॉन्डाइलर का मतलब ये 360 डिग्री इनका हेड घूम सकता है। ध्यान से कैमरे की तरफ देखते रहिएगा, एक चिड़िया क्या करती है कि वो आगे से लेके पूरा अपना मुंडी जो है
घुमाएगी तो पूरा एक रोटेट कर सकती है, 360 तक रोटेट कर सकती है। लेकिन ह्यूमन के केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो ह्यूमन के केस में आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो ये जानिएगा कि हम केवल 180 डिग्री घुमा सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, 0 डिग्री से शुरू करेंगे और धीरे 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 180 तक। अगर हमें 360 देखना हो तो अपने कमर पे, अपने कमर को हमको घुमाना होगा, तो 180 डिग्री हम अपने कमर को घुमाते हैं और यानी आधा हम कमर को घुमा के और आधा हम सिर को घुमा के हम भी 360 डिग्री का विजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा 360 में कुछ आपके हेड का पार्ट है और कुछ आपके कमर का पार्ट है, ये दोनों पार्ट मिलके आपको 360 का विजन दिखाने में मदद करते हैं मेरे क्लास। आइए शुरू करते हैं आगे के पॉइंट को। एक वस्तु पर, अच्छा अगर चिड़िया को एक ही वस्तु देखनी हो मेरे क्लास तो याद रखिएगा, चिड़िया को एक वस्तु देखनी है तो केवल सामने फोकस करके उस वस्तु को वो देख सकता है। अच्छा जब चिड़िया की आंखें स्थिर हो ना तो ही ये कहानी होगी। देखिएगा कि चिड़िया जब एक वस्तु पर फोकस करेगी तो उसके साथ ये बता सकती है कि वो वस्तु से कितना दूर है, वो वस्तु से कितना दूर है, ये बात जानने के लिए वो क्या करती है, एक ही वस्तु पर फोकस करती है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, दूरी का अंदाजा लगाना होता है जब, तो वो क्या करती है, दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखती है। एक ही वस्तु पे दोनों आंखों से देखने से क्या पता चलता है, दूरी पता चलती है। क्या पता चलता है, दूरी। तो छोटे क्वेश्चन आते हैं कि जब चिड़िया अपने दोनों आंखों से किसी एक वस्तु को देखती है तो उससे रंग पता चलता है, आकार पता चलता है कि दूरी पता चलती है, तो आपका जवाब क्या आएगा, दूरी पता चलती है। याद रखिएगा कि जो अब हम जो इंसान हैं, हमारी तुलना में जो चमगादड़ हैं, चील हैं, मानव से ज्यादा बाज हैं, ये सब हमसे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना की बात कर रहा हूं मैं, 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। जैसे हम अगर लिखा है, आप स्लाइड में देखें तो, स्लाइड में अगर देखें तो पीछे लिखा हुआ है कि अगर हम 2 मीटर तक, अगर हम 2 मीटर तक तो पक्षी 8 मीटर तक देख सकते हैं, अगर हम 10 मीटर देखें तो पक्षी 40 मीटर देख सकते हैं। उसके नीचे के स्लाइड में देखिए, उसके नीचे के स्लाइड में लिखा है, जो पक्षी दिन में जगते हैं कुछ ही रंगों को देख सकते हैं पर ज्यादातर सफेद और काले को ही देखते हैं। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट विजन नाइट विजन होता है। साथियों रात में देखने वाले जीव जंतु केवल सफेद और काले को देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पक्षी ऐसे ही हैं जो नाइट और ब्लैक विजन को ही देखते हैं, व्हाइट और ब्लैक को ही देखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कलर्ड विजन की टेंडेंसी है, वो रंगीन वस्तुओं को देख सकते हैं, उनके बारे में एहसास कर सकते हैं। तो पक्षियों के बारे में अगर पूरे इस बात पे मैं बात करूं तो ये बात समझ में आ रही है कि पक्षियों के पास 2 आंखें हैं और दोनों आंखें उनके शरीर में आगे की तरफ स्थित हैं, आगे की तरफ स्थित हैं, उससे वो दोनों तरफ 2 वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो अधिकतर पक्षियों के केस में अगर हम बात करें तो उनको चीज़ें देखने के लिए पूरा सिर, जैसे क्या होता है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें जो कहें आंखें स्थिर होती हैं, वो आंखों को घुमा नहीं सकते हैं। जब आंखों को घुमा नहीं सकते हैं तो अपना पूरा सिर घुमाते हैं। वही लिखा है, जब पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं तो उनका अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है। कुछ पक्षी जैसे चमगादड़, चील, बाज इत्यादि 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। अच्छा आप लोग को म्यूजिकल क्लास चाहिए या नॉर्मल क्लास चाहिए, संगीत के साथ पढ़ेंगे कि ऐसे ही पढ़ेंगे? पक्षी जो दिन में जगते हैं कुछ ही रंगों को देख सकते हैं पर ज़्यादा पक्षी जो हैं वो सफ़ेद और काले को देखते हैं। वहीदा प्रिज्म की कहानी है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। इसमें बताई जा रही है कि जो वहीदा थी वो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, नौसेना में डॉक्टर भी थी। तो आप जानते हैं कि नौसैनिक जो भी हैं, थल सैनिक जो भी हैं, वायु सैनिक जो भी हैं, ये लोग क्या होते हैं, नौसैनिक, थल सैनिक, वायु सैनिक, ये सैनिक के साथ साथ एक और 2 और भूमिका निभाते रहते हैं। तो ये जो वहीदा की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा की, ये नौसेना में डॉक्टर हैं। क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा क्या थी, तो आपको बताना है कि ये भारतीय नौसेना में क्या थी, डॉक्टर के पोस्ट पे थी। सबसे पहला महिला है जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। इनकी पहली पोस्टिंग जो हुई है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में हुई है, राजौरी जिला में हुई है, जहाँ पे थाना मंडी क्षेत्र में इन्होंने पहली ज्वाइनिंग की थी। साथियों एक परेड में 36 कमांड्स होते हैं, ये बात लिखी गई है। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स था जिसको आपको रटना होता है।
अच्छा यहाँ पे स्वप्न काल के बारे में बात करें दोस्तों, आप भी सब लोग के जीवन में एक आता है स्वप्न काल। देखो नींद से बड़ी कोई दवा नहीं होती है मेरे साथियों, जो नींद है उसी नींद के द्वारा आप एक स्वप्न देखते हैं और एक स्वप्न आप दिन के उजाले में देखते हैं, जिसमें आपके परिवार की उम्मीदें टिकी होती हैं, जिसमें आपकी उम्मीदें टिकी होती हैं, जिसमें आपके भाई बहनों के, आपके घर वालों के सपने लगे होते हैं। एक स्वप्न ऐसा होता है और एक जिसको हकीकत में करने के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं, लड़े हुए हैं, भिड़ रहे हैं और योद्धा की तरह टिके हैं। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिसमें इंसान इन सारे ख्वाबों को भूल जाता है। जैसे देखिए छिपकली के जीवन के बारे में बात करें तो जो छिपकली होती है मेरे साथियों, वो पूरा एक सीजन जो होता है ठंडी वाला, वो पूरा का पूरा एक सीजन सो के बिताती है। गाय एक दिन में कितना सोती है बताओ बताओ, गाय कितना सोती है एक दिन में? कमेंट करते रहना मेरे क्लास, अगर बात समझ में आ रही हो तो कुछ कमेंट करते रहोगे तो याद होता रहेगा। काऊ 4 कमेंट कर सकते हो। अजगर, अजगर की स्पेलिंग पाइथन होती है मेरे साथियों, काऊ जो है वो 4, पाइथन कितना सोता है एक दिन में? 18 घंटे सोता है। लोग कहते हैं कि तुम लोग अजगर के तरह दिन भर पड़े हुए हो। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो आप लोगों को कोई कह सकता है, घर वाले कहते होंगे कि अजगर की तरह सो रहा है। अजगर तरह सोने का मतलब है कि ये भी एक आपको तुलना दी जा रही है कि अजगर कितना सोता है इतना ही तुम भी सो रहे हो, अजगर की तरह पड़े हुए हो। तो अजगर 18 घंटे पड़े रहता है। जिराफ देखो, जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। ये कुछ जानवर हैं जिनके स्वप्न काल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से याद करो, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे। हाथी 2 से 4 घंटे मेरे साथियों, हाथी 2 से 4, बिल्ली 12। बिल्ली 12 ये तो सबसे आसान है, बिल्ली 12, कितनी बिल्ली थी? 12 बिल्ली थी। हाथी 2 से 4 घंटे और जिराफ 2 घंटे, जिराफ कितना? 2 घंटे। गाय 4 घंटे, छिपकली पूरा एक सीजन। समझ में आया मंजरी आपको? समझ में आया? ये स्वप्न काल है। ये स्वप्न काल का क्या मतलब है कि किस जानवर में कितना अधिक सोने की टेंडेंसी होती है, वो कितना सोता है। जितना सोता होगा बाकी के समय में वो जगा रहता होगा, भोजन ग्रहण करता है, बाकी चीज़ें ग्रहण करता है। धीरन जी वेरी गुड, वेरी गुड ऋषि, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लगे तो ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे तो ये 2-way कन्वे एक कन्वर्सेशन हो जाएगा ना, मुझे लगेगा कि सच में कि सामने ये कैमरा और ये लैपटॉप और बाकी चीज़ों के अलावा भी कुछ लोग हैं। मैं यही महसूस करके पढ़ूंगा कि आज भी मेरे सामने आप लोग उपस्थित हैं। तो जो आपके हाथ से टाइप किए हुए जो मैसेज हैं मुझे, वो आप दिखेंगे, उसमें आपकी भूमिका दिखेगी। तो आपसे यही आग्रह है कि मैं पूरी देर तक पूरी तल्लीनता के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं भी आपसे मांगता हूँ कि पूरी ऊर्जा के साथ जब तक रहिए मेरे क्लास में, बने रहिए, बैठे रहिए। जितना देर मैं खड़ा रहूँगा अपनी पूरी ऊर्जा आपको दूंगा, जितना देर माँ एकेडमी का एक एक फैकल्टी खड़ा रहेगा पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा रहेगा। तो आप भी पूरी ऊर्जा के साथ रहिए। छिपकली एक सीजन तक, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, अजगर 18 असे 18 होता है, जिराफ 2 घंटे, जिराफ जो होता है 2 घंटे, जिराफ के 2 टांगे लंबी हैं तो जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12, बिल्ली 12 बिल्ली थी, बिल्ली ब से 12 होता है, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। तो ये जानवरों के सोने के बारे में बात हुई है। दोस्तों कुछ जानवरों के पास विशेष चीजें हैं, इनके बारे में बात करें। वेरी गुड, वेरी गुड मंजरी, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग लगातार बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों, अगर बात करें हम गेंडा के बारे में, तो गेंडा के पास एक विशेष प्रकार का सिंह होता है, सिंह जिसको हॉर्न कहते हैं मेरे साथियों, हॉर्न होता है। गेंडा के पास एक विशेष प्रकार का सिंह होता है। गेंडा की स्पेलिंग राइनोसिरास होती है दोस्तों, राइनोसिरास होती है। और एक सिंह के जो गेंडा होते हैं, ओके स्लाइड ज़्यादा जल्दी से हट रहा है क्या? अब तो स्लाइड रुका हुआ है, ठीक है। देखिए गेंडा के राइनोसिरास जो हैं इनके पास एक हॉर्न होता है, एक सिंह के जो गेंडा होते हैं ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं, एक सिंह वाले गेंडा। कस्तूरी जो है, कस्तूरी कहाँ पाया जाता है तो आपको पता होगा, कस्तूरी कहाँ पाया जाता है मेरे साथियों? तो ये हिरण के मृग के नाभि में पाया जाता है। और आप जानते हैं कस्तूरी के बारे में, आप जानते हैं कस्तूरी के बारे में? हाँ, गेंडा जो है आसाम काजीरंगा की कहानी है, काजीरंगा लिख दे रहे हैं।
आसाम में है, आसाम में पाए जाते हैं। तो देखो मेढक जो कहें अगर हम मृग की बात, तो मृग के नाभि में क्या पाया जाता है, कस्तूरी। और जब मृग बड़ा हो जाता है तो उसकी नाभि से वो कस्तूरी जो होता है उसकी खुशबू आने लगती है, और एक विशेष प्रकार की खुशबू के लिए वो पागल रहता है और घूम घूम के दौड़ दौड़ के वही कस्तूरी का मृग के खोज में वो मर जाता है, लेकिन वही कस्तूरी उसके शरीर में उसके नाभि में है और वो उसको पता नहीं चल पाता है, उसी के पास था उसके बाद भी खोज रहे हो। यही जीवन है साथियों। जीवन क्या है कि हम और आप जो हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर करने का जुनून है, शक्ति है, पावर है, और ये चीज़ें हम दूसरों से लेना चाहते हैं कि दूसरे हमें एनर्जी देंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आप खुद कर सकते हो, अपने ज़िंदगी को बना सकते हो। हाथी के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, दो विशेष दांत पाए जाते हैं। आप जानते होंगे हाथी के अंदर क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइनोसिरास का जो सिंह होता है वो किसका रूप है। ध्यान देना, राइनोसिरास का जो सिंह पाया गया वो किसका रूप है। तो राइनोसिरास का जो सिंह पाया गया है वो एक हेयर का रूप है, बाल का रूप है। आइए कुत्तों के बारे में देखते हैं। देखिए कुत्तों का आप लोग जानते हैं, आप लोग बोलते भी होंगे, एक कहावत है कि शेर का पूरा जंगल होता है और कुत्तों का एक इलाका होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो याद रखिए कुत्तों के लिए एक इलाका निश्चित है। आपके लिए पूरी दुनिया आपकी है, पूरा कायनात आपका है, आप शेर हैं अपने माँ बाप के, हम सब के, सबकी उम्मीदों के। तो कुत्ता जो होता है एक विशेष इलाके में रहता है। कुत्ता कैसे पहचान करता है कि ये मेरा इलाका है या दूसरे का इलाका है। तो कुत्ते क्या करते हैं कि अपने इलाके में आई हुई वो एक पहचान लगाते हैं, वो चिन्ह लगाते हैं। और वो जो पहचान लगाते हैं, वो जो पहचान लगाते हैं, हाँ रूबी, वो जो पहचान लगाते हैं वो यूरिन के थ्रू लगाते हैं, वो मल मूत्र के द्वारा लगाते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार के जो भी आपको आप जानते हैं कि बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन और जो भी उसमें साल्ट पाए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से उसी की गंध से वो पहचान लेते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, या वो जान जाते हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने कुत्ते हैं, तो इनकी विशेष पहचान क्या है। वो उनके स्मेल, उनके नोज में ये बातें रहती हैं, उनके घ्राण शक्ति में ये बातें रहती हैं, उनको पता रहता है कि हमारे क्षेत्र में इतने ही लोग हैं। और जैसे जो बड़े जानवर हैं वो पेड़ पौधों पर खुरच देते हैं, बड़े जानवर क्या करते हैं पेड़ पौधों पे खुरच देते हैं, जिससे पता चले कि ये शेर का इलाका है। वो खुरचने का जो तरीका होता है उसे ये पता चलता है कि वो उसी का क्षेत्र है। दोस्तों तिब्बत की भाषा को भोटी भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, भोटी भी कहते हैं। मदर को अमाले, पिता को आबाले। बाबू इसको रट लेना, अमाले। अब इसको ऐसे बोलने का जो तरीका है थोड़ा देखना इसको, तो जो कहा जाए तो अमाले और अबाले। अब्बा तो आप समझ ही रहे हैं, अम्मा भी समझ रहे हैं, यहाँ से मदर और फादर का ही सेंस आ रहा है। आओ दोस्तों आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट है आपके एनसीईआरटीज में, तो वहाँ बहुत कम चीज़ें हैं, उसी को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। आज की स्लाइड बहुत लंबी है दोस्तों, अगर मेरी स्लाइड अगर आपसे मिस हो जाती है, अगर मैं पूरा पढ़ा नहीं पाया, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया, अगर मेरी बात सुनाई दे रही है धीरेंद्र, मंजरी, रूबी, ऋषिका, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप बताते रहें। अगर आज की स्लाइड मैं पूरी पढ़ा नहीं पाया, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाया, तो भी आपको ये चीज़ें नोट्स के रूप में डाउनलोड में आपको मिलेंगी, वहाँ से आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स को लिख लिख के बनाना, बार बार देखना है, पढ़ने के कुछ और तरीके हैं। ये अगर विजुअल क्लास होता, लाइव मैंने अगर कहा जाता, तो एक ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें आदमी ज़्यादा बता सकता है, लेकिन इसमें भी मैं बताऊँगा कुछ दिन, बुक लेके आऊँगा, बताऊँगा कुछ पढ़ने के तरीके के बारे में भी। देखिए दंत सूत्र क्या है, डेंटल फार्मूला क्या है। आप जानते हैं मानव के पास कितने दांत होते हैं, मानव के पास कितने दांत होते हैं, जवाब दीजिए। मानव के पास कितने दांत होते हैं, जवाब आना चाहिए सबके।
कितने, 32। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सवाल यहाँ तक आता है तो मज़ा आता है, ये तो आपको पता है कि 32 32 32 और एक लोगों का आया है 36। ऋषिका का आया है 36, क्यों आपके पास 36 है? ओके ओके, चलिए बताइए, सबके पास 32 ही दांत हैं। एक बात बताओ, बच्चों के पास कितने दांत होते हैं? बच्चों में, चिल्ड्रेन में कितने दांत होते हैं, चाइल्ड में कितने दांत होते हैं, ये तो बता दिए। बच्चों के पास कितने दांत होते हैं? रूबी यादव 28, मंजरी का आंसर एकदम सही है। मंजरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अच्छे दिशा में जा रही हैं। बच्चों में जो दांत होती है सबको याद रखना है 20। समझिएगा, चीज़ें समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बच्चा नया पैदा होता है तो उसके पास तो दांत होते हैं 0, लेकिन जब वो 6 सालों तक जाता है, यानी 1 से 6 सालों के बीच में उसके पास दांत होते हैं 20। साथियों जब इसके आगे आप जाएंगे तो लगभग एडल्ट स्टेज आने तक आपके पास दांत होते हैं 28, और इसके बाद आपके जीवन में आपके पास कितने दांत होते हैं? 32। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 दांत पाए जाते हैं जब तक हमारे पास, हाँ, बच्चों में जो दांत होते हैं, सबने अच्छा बताया, सबने, सबको याद आ गया कि बच्चों में जो दांत होते हैं, जो 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उसमें 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एडल्ट होने से पहले, ओके वेरी गुड मंजरी जी, पता है मुझे, मैंने आप लोगों को तो ऑफलाइन में नहीं देखा है, लेकिन मैंने सबको देखा है, सबकी क्लासों को देखा है, आप लोग ही मुझे नहीं देखे थे। हाँ, बच्चों के 20 दांत होते हैं। आइए बताते हैं कौन से दांत नहीं होते हैं, सारी कहानी बताते हैं, दांतों के प्रकार बताते हैं, याद करने का तरीका बताते हैं, पाचन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आइए दोस्त शुरू करते हैं। क्या है दंत सूत्र? क्या है, कोई दंत सूत्र बताए? डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन क्या होता है? मनुष्य के दंत सूत्र क्या होते हैं? दांत के सूत्र, दांत के फार्मूले क्या होते हैं? ये दोस्तों दंत सूत्र का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये दांत के सूत्र का फार्मूला है। मैं याद कराऊंगा, मैं याद करा रहा हूँ। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। बोलिए एक बार, आप बोलिए, मन में बोलिए, जहाँ बैठे वहीं बैठे बैठे बोलिए, वहीं बोलिए, बोल रहिए थोड़ा और जोर से बोलिए, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। बोलिए एक बार और, बोलिए 2 1 2 3, एक बार और 2 1 2 3 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। दोस्तों ये ऊपरी जबड़े का है, आपके पास दो जबड़े हैं, एक ऊपरी और एक निचली। ऊपरी जबड़े में 2 1 2 3 और निचले जबड़े में 2 1 2 3। तो ये जो आगे का जो पहला दो दांत है, मेरे साथियों ध्यान देना, क्लास में ध्यान देना, ये जो आगे के दो दांत हैं इसको इंसीजर कहते हैं, इसके बाद वाले को केनाइन कहते हैं, प्री मोलर और फिर मोलर। ये जो 2 1 2 3 है, 2 2, हाँ मैं बताता चल रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी सब बताऊंगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, आपको बोलना है, याद करना है, जहाँ बैठे वहीं से याद करना है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। याद रखना है 2 1 2 3। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अब हाफ है, यहाँ से लेके इधर का 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3,
और यहां से लेके इधर का 2123/2123 2123 2123, यानी 2123 इधर और 2123 इधर, तो इसी को मैंने दो बार में मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, हाफ जा को लिखते हैं, आधे जबड़े को लिखते हैं, तो आधे जबड़े को दुगुना कर देंगे तो पूरा जबड़ा होगा। ऊपर वाले पूरे दांत को जोड़ेंगे तो 8, नीचे वाले पूरे दांत को जोड़ेंगे तो 16, 8 दुना 16 टोटल हो गया 32, 8 दुना 16 और 8 दुना 16 टोटल हो गया 32। इसी को कहते हैं कृंतक, काटने वाला दांत, इंसीजर, काटने। सेब को कहाँ से काटते हैं? आगे वाले दांत से काटते हैं ना, तो इंसीजर जो होता है वो काटने का काम करता है, कटिंग का काम करता है। केनाइन क्या करता है? चिड़ने फाड़ने के काम में आता है केनाइन। प्रीमोलर क्या करता है? प्रीमोलर क्या करता है? तो चबाने में मदद करता है। मोलर क्या करता है? तो ये भी चबाने में मदद करता है। मेरे साथियों याद रखिएगा, जब आप बच्चे थे तो उस समय आपके पास यही दांत नहीं हुआ करता था। उस समय आपके पास जो फार्मूला था वो 2120/2120 कुछ, ठीक ना, ये बचपन का फार्मूला था। तो 5 और 5 10 10 दुना 20, तो बचपन में जो आपके पास दांत थे वो 20 थे, 2123/2123। और जब बच्चे थे तो 2120/2120। चलिए, ऐसे करके है। दंत सूत्र के बारे में आप जान गए, फॉर्मूला याद हो गया। मनुष्य में पाचन के बारे में कुछ बात बतानी है, आइए हम बात बताते हैं। चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेके चलते हैं, चीजें याद होंगी आपको, आगे चलें। अच्छा लग रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो आगे लेके चलें। आइए, याद हो गया डेंटल फार्मूला? लिखो तो एक बार, बताओ डेंटल फार्मूला क्या है। 2123/2123 टोटल 32, कृंतक रदनक प्रीमोलर मोलर, कृंतक रदनक चवर अग्र चवर्णक प्रचवर्णक चवर्णक, कृंतक रदनक प्रचवर्णक और चवर्णक, हिंदी में बोलेंगे कृंतक रदनक प्रचवर्णक और चवर्णक। वेरी गुड धीरेन्द्र, कोशिश किया आपने लिखने की, मैं यही चाहता था कि ये वाला कोई लिख के दिखाए। 2123/2123 याद हो गया आपको, जीवन भर नहीं भूलेगा धीरेन्द्र, एकदम। वाह रितु, वेरी गुड वेरी गुड, आप सबको सलाम है मेरा, बहुत शानदार बहुत शानदार, आपकी ऊर्जा है। इतिहास लिख दोगे तुम लोग, मजा आ जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जीभ के बारे में, जीभ एक मांसपेशी है। जीभ क्या है? एक मांसपेशी है। मैं तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूं लेकिन आपके केस में उतना है नहीं। जीभ जो है एक मांसपेशी है, एक अंग है जो आपके मुंह में स्वाद, स्वाद के लिए है कि वो आपके स्वाद को बताती है, स्वाद ग्राही है। तो आप जानते हैं जीभ के, मैं बताऊंगा कि जीभ में आगे कौन सा हिस्सा पाया जाता है, इस साइड कौन सा हिस्सा पाया जाता है, बीच में कौन सा हिस्सा पाया जाता है और पीछे कौन सा हिस्सा पाया जाता है। इसका एक मैं अलग से आपको एक फोटो शेयर करूंगा। चलिए, तो जीभ एक मांसपेशी है जो क्या करती है, तो जो स्वादग्राही है, जो स्वादग्राही है जीभ क्या है, तो जीभ एक स्वादग्राही मांसपेशी है। साथियों ध्यान देना, ध्यान क्या देना कि जीभ एक ऐसी भी मांसपेशी है, जीभ एक ऐसी भी मांसपेशी है जो क्या करती है, जो भोजन के दौरान, भोजन ग्रहण करने के दौरान लार्वा को, सलाइवा को, लार को भोजन में मिला देती है। जीभ एक ऐसी, ऐसा अंग है, एक ऐसी मांसपेशी है जो लार को, देखो क्या लिखा है, जो लार को, यहाँ की कहानी देखना, जो लार को मुंह में क्या कर देती है, मिला देती है, जो लार को मुंह में मिलाने का काम करती है। बस कहानी खत्म जीभ का। मैं आपसे पूछूं कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। सभी लोग जीभ उठाएं, जहां बैठे हो वहीं पे बैठे बैठे जीभ उठाओ, उसके नीचे जीभ को घुमा के नीचे टच करो तो देखोगे वहां पे पानी पानी जैसी चीज होगी, उसको लार कहते हैं। तो एक लार की ग्रंथि मुंह में नीचे के तरफ है और एक मुंह में ऊपर के तरफ है और एक पीछे के तरफ है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। बाकी कहानी बाद में। लार ग्रंथि किस चीज को पचाने में मदद करती है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। एक क्वेश्चन आता है आपके टेट में, क्वेश्चन एक पूछा जाता है सीटेट में,
क्या होता है जब भोजन को हम बहुत देर तक चबाते हैं तो भोजन मीठा क्यों लगने लगता है? कोई जवाब दे, भोजन को देर तक चबाने पर भोजन मीठा क्यों लगने लगता है? कोई जवाब दे, मैं इंतजार करूंगा इस जवाब का। भोजन को देर तक चबाने पर भोजन मीठा क्यों लगने लगता है? देखिए, मैं जो लिख रहा था दिख रहा था ना आपको, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, देख लो। भोजन को चबाने पर भोजन मीठा इसलिए लगने लगता है दोस्तों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शर्करा है वो टूट जाते हैं साधारण शर्करा में, और उसी साधारण शर्करा का स्वाद मीठा है, माल्टोज का स्वाद मीठा है, इसीलिए आपको भोजन कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपके पेट से, कि आपके थाली से, कि आपके मुंह से? तो भोजन जो का जो पाचन है वो आपके मुंह से शुरू होता है, और मुंह में किसका पाचन शुरू होता है? तो वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। पहले लिखना कार्बोहाइड्रेट और फिर वसा का लिखना। साथियों देखो, जब भोजन मुँह से आया तो यहाँ पर आपके एक होता है साउंड बॉक्स, में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा, यहाँ पे बोलने वाला बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है। मेल में पुरुषों में यह बॉक्स बांस के जैसा होता है, ये मत समझ लेना, मैंने पुरुषों की आवाज़ें थोड़ी फटी होती हैं, इसको समझना कि जो पुरुषों की आवाज़ों का पिच ज़्यादा होता है, पिच कम होता है, लाउडनेस ज़्यादा होती है, और फीमेल की आवाज़ में थोड़ा पिच ज़्यादा होता है, वो बोलती हैं तो दूर तक सुनाई देता है। मुझे ये सब नहीं पढ़ाना था, मुझे बस ये बताना था, यकृत और पित्ताशय जो हैं ये पित्तरस का श्रावण करते हैं, याद रखना। पित्तरस का श्रावण कौन करता है? यकृत और पित्ताशय। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी है, बड़ा क्वेश्चन है ये आपके सीटेट के लिए, कि छोटी आंत जो है बड़ी आंत से बड़ी है, छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी है, ज़्यादा है। देखिए छोटी आंत, देखिए यहाँ पे छोटी आंत है, छोटी आंत बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटी, ऐसे देखिए बहुत लंबी है, लेकिन बड़ी आंत आपकी छोटी है, बट आकार में बड़ी है, आकार में बड़ी आंत बड़ी है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत बड़ी है, लंबाई में छोटी आंत बड़ी है, याद रखिएगा। अमाशय पूछा जाता है, दवा का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में। दवा जो खाते हैं वो कहाँ जाके पचता है? अमाशय में। तो ये कुछ चीज़ें थी, यहीं से फेफड़ा शुरू होता है, आप तो जानते ही, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जानते हैं, यहीं पर फेफड़ा होता है, आपके शरीर का यहीं पर फेफड़ा होता है, और यहीं पे आपका हृदय होता है, ये सब कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। एक जबड़े में, देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछेगा, एक जबड़े में, मनुष्य के मुंह के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो 16। अगर दोनों जबड़ों की बात करेगा तो 32। दुधिया बच्चों में कितने, अस्थाई दांत कितने हैं? 20। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? बोलिए, 4। कृंतक रदनक चवर्णक अग्रचवर्णक, जिसको प्रचवर्णक भी कहते हैं। ये पाचन की परिभाषा है, बस छोटे में इसको खत्म कर दिए मैंने। पाचन की परिभाषा क्या है देखिए, पाचन में भोजन है, ये भोजन है, इसको हम जब पाचन, वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जटिल पोषक पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, सरल और छोटे घुलनशील पदार्थ में तोड़ देते हैं, यही पाचन है। पाचन की प्रक्रिया क्या है, भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को हम क्या कर देते हैं, एंजाइम की मदद से छोटे और सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं, यही पाचन है। यही क्या है दोस्तों, यही पाचन है। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें आप बड़े जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बस इसको खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे, कि मनुष्य के पाचन के दो भाग हैं, एक पाचन अंग है और एक पाचन ग्रंथियां हैं।
लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है, याद रखिएगा। इसका श्रावण कम हो जाता है तो लोगों को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज जो बीमारी है वो इंसुलिन से संबंधित है, डायबिटीज बीमारी है वो इंसुलिन से संबंधित है। सरोज यादव, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय एकेडमी प्लेटफॉर्म लखनऊ। यहाँ पर आप अभिषेक त्रिपाठी के साथ EVS की क्लास ज्वाइन की हुई है। इंसुलिन डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लार ग्रंथि जो होती है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, यकृत ग्रंथि पित्तरस का पाचन करती है, पित्तरस का श्रावण करती है जो वसा पचाने में मदद करता है, जो वसा पचाने में मदद करता है। छोटी आंत के बारे में मैंने बताया कि भोजन का पाचन आपके आमाशय और छोटी आंत में होता है। छोटी आंत बहुत बड़ी है, तो छोटी आंत में तीन नाम याद रखिएगा, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम इलियम। तो छोट पाचन यहीं तक खत्म हो जाता है, इसके बाद अवशोषण शुरू होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पांच प्रक्रिया होती है, पांच स्टेप होता है बेटा, ध्यान देना। भोजन के ग्रहण करने के पांच स्टेप हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा है स्वांगीकरण, पांचवा है बहिक्षेपण। यही पांच प्रक्रिया होती है पाचन में। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण में भोजन को आप ग्रहण करते हैं, पाचन में आप पाचक एंजाइम के द्वारा पचाते हैं। पाचन एंजाइम के बारे में आप जानते हैं कि आपके पेट का माध्यम अम्लीय होता है HCl के कारण। जब आप भोजन करते हैं तो वो अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन करता है। तो याद रखिएगा, पाचन की प्रक्रिया में आमाशय का माध्यम कैसा है, अम्लीय है, इसीलिए लोगों को एसिडिटी होती है। छोटी आंत में बेस है, छोटी आंत में क्या है, बेस, क्षार पाए जाते हैं। तो किसी को बेसिसिटी नहीं होती है, सबको एसिडिटी होती है, क्योंकि पेट में पानी कभी ज़्यादा पी लेते हैं, कम पी लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खा लेते हैं। बहुत बड़ी कहानी, अगर हम लोग विज्ञान पढ़ते तो इसको देखते EVS की क्लास में। तो ब्रीफ में मैंने बता दिया, आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है, छोटी आंत क्षार में, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बाहर, जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के, उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा गया है, देखिएगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन की प्रक्रिया में पूरी बात बताया गया है, ये सारी चीज़ों की मदद से पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण, निष्कासन मतलब बहिक्षेपण। इसमें से कोई टॉपिक आपको क्लियर करना हो तो बताइए, कर दें। बताइए, बताओ बताओ, जो इच्छा हो इसमें से बोलो, निसंकोच बोलो, पढ़ने के लिए बोलो। क्या बता दें, सरोज आप बता दो, ऋषि, मंजरी, रितु, धीरेन्द्र, बताओ क्या पढ़ा दें इसमें से। डायग्राम वाले टॉपिक, ये वाला डायग्राम वाला टॉपिक, पाचन पढ़ा। ओके, मैं पढ़ा देता हूँ, इंटरेस्टेड हैं आप लोग, पढ़ें पढ़ाएं, चलो आओ पढ़ाते हैं पूरा। वेरी गुड, ये आपकी ऊर्जा बहुत शानदार है दोस्तों, लगे रहिए। आइए देखते हैं, क्या होता है पाचन में। आपने पाचन की प्रक्रिया में पहली चीज आपने देखी कि पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, मेरे साथियों, पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक विस्तृत अणु, एक विस्तृत चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें एंजाइम के द्वारा पचा के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दी जाती हैं, छोटे छोटे जो घुलनशील होते हैं, जो अवशोषित हो जाते हैं, जो इकट्ठा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ध्यान से सुनना, भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं,
छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का क्या मतलब है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं काटते हैं उसमें सलाइवा मिलाते हैं, लार मिलाते हैं दोस्तों, और जब लार मिला देते हैं तो वो लार वाला भोजन जब मुंह से आपके आहार नली के थ्रू आपके अमाशय में जाता है तो याद रखना मुंह से निकलकर अमाशय की ओर जाने वाले भोजन को बोलस कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, बोलस क्या है, तो मुंह से पचा हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही भोजन आप जानते हैं कि जब यहां से उतरता है तो आहार नाल जो है, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति होती है, एक बार एक बार एक फूलेगा फिर फैलेगा, फूलेगा फिर फैलेगा, ये क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन जो है नीचे के तरफ जाता है। यहां की बात बता रहा हूं, देखना चेस्ट जहां समाप्त होता है इस पोजीशन पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है। मेरे साथियों आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो देखिए, अगर अमाशय के बारे में बात करें दोस्तों तो यहां पे ध्यान से सुन लेना, यहां पे एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, ये आपके सिलेबस का तो नहीं है लेकिन जान जाओ, इंस्फिंक्टर पाया जाता है जो बैक फ्लो को रोकता है, भोजन पीछे नहीं जा सकता। तो जब गैस बनती है तो लोग कहते हैं यहां पे जलन हो रही है, ये जलन क्यों होती है, क्योंकि यहां पे क्या बन जाती है, इस पोर्शन में गैस बन जाता है, इसी गैस, ये एसिडिक गैस होता है, एसिडिक गैस होता है, इसीलिए लोग कहते हैं हमको एसिडिटी हो गई है, एसिड यहाँ चढ़ गया है, गैस यहाँ चढ़ गया है। तो ये जो गैस है ये इंस्फिंक्टर के वजह से ऊपर जा नहीं सकता है। आप बहुत बार देखे होंगे आप उल्टा हो जाते हैं, पलट जाते हैं, घूम जाते हैं, खाना तो आपके पेट में था तो क्या मुँह में वापस आ गया, तो कौन रोकता है, तो इंस्फिंक्टर रोकता है। ध्यान दीजिएगा अमाशय के पाचन के बारे में बताएं दोस्तों, तो याद रखिएगा अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl, HCl के कारण अमाशय की pH कितना होता है 1.5, मतलब अमाशय जो है अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, और जब भी अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है मेरे साथियों तो याद रखना कि अम्लीय माध्यम में प्रोपेप्सिन नाम का एक एंजाइम है, प्रोपेप्सिन नाम का एक एंजाइम है, वो इनएक्टिव से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। साथियों अमाशय में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, और जब इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है मेरे साथियों अमाशय में के अंदर का जो एंजाइम, तो वो प्रोटीन को पचाता है। ध्यान देना प्रोपेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पी है तो प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को पचा के पेप्टोन्स में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ध्यान दो प्रोटीन को पचा के किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, प्रोपेप्सिन इनएक्टिव था, HCl के कारण एक्टिव हो गया, और होने के बाद प्रोटीन को पचा दिया, होने के बाद प्रोटीन को पचा दिया, होने के बाद किसको पचा दिया, प्रोटीन को। क्वेश्चन आता है रेनिन क्या है, रेनिन का क्वेश्चन देखिएगा, रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है, रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है, याद रखिएगा रेनिन किसको पचाता है, दूध को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है। ऐसे ही लाइपेज होता है, लाइपेज वसा को पचाता है, याद रखिएगा लाइपेज वसा को पचाता है। बोलिए लाइपेज किसको पचाता है, बताइए लाइपेज किसको पचाता है, वसा को। ये सारे चीजें पेट में हो रही हैं, स्टमक में हो रही हैं, और ये जो भी इस ग्रंथि में किसका श्रावण हो रहा है, तो इस ग्रंथि में श्रावण किसका हो रहा है, तो अमाशय की दीवालों से ही एंजाइम आए हैं और यहाँ पे भोजन को पचा के चले गए, यहाँ पे भोजन को पचा दिए, और यहाँ से जो भोजन आगे की तरफ जाता है उसको काइम कहते हैं, मुंह से पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं और पेट में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। ये दो वर्ड याद रखना, बोलस मुंह में पचे हुआ भोजन और काइम पेट से पचा हुआ भोजन। पेट से पचा हुआ भोजन जब आगे उतरता है तो छोटी आंत है, यहाँ पे ड्यूडेनम है, ध्यान देना, और यहीं पे क्या होता है, एक एंजाइम और एक ग्लैंड होता है जिसको अग्नाशय कहते हैं,
अग्नाशय, इसी अग्नाशय में लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। सुनना ध्यान से, लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा। अग्नाशय में लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, लैंगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हेंस, नाम सुना होगा आई लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं। यहीं पे तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा ग्लूकेगान का सिक्रीशन करता है, बीटा इंसुलिन का, तो आपको बस ध्यान देना है बीटा किसका सिक्रीशन करता है, इंसुलिन का। और यही इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रेवल कराता है, ग्लूकोज को ट्रेवल कराने में मदद करता है। तो यही इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है आपको, डायबिटीज, आपको नहीं सॉरी जिनके में कमी होती है उनको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो पेट में माध्यम अम्लीय है, अम्लीय माध्यम में इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उन्होंने प्रोटीन को पचाया, लाइपेज ने वसा को पचाया, रेनिन ने दूध को पचाया और कुछ एंजाइम थे वो किसको पचा दिए, कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इसको ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम में क्या होता है, तो यहाँ पे पित्त रस आता है और अग्नाशयी रस आता है। क्वेश्चन आए कि पित्त रस और अग्नाशयी रस कहाँ पे आके मिलते हैं, तो आप बोलेंगे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आके कौन मिलते हैं, पित्त रस, क्या बोला मैंने, ड्यूडेनम में पित्त रस आके मिलता है और अग्नाशयी रस आके मिलता है। और इसके बाद से आपका फाइनल पाचन कुछ दूर आगे तक कर दिया जाएगा और इसके बाद से अवशोषण शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा पित्तरस लीवर से आया है, पित्तरस लीवर से आया है, पित्तरस लीवर से आया है, पित्तरस पित्ताशय में था, लीवर से आया है। बोलिए पित्तरस कहाँ पे था, पित्तरस को कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ पे था, लीवर, थोड़ा लिख दो एक बार, बाइल जूस कहाँ पे था, लीवर में था, बाइल जूस कहाँ पे था तो लीवर में था, बाइल जूस कहाँ पे था तो लीवर में था। मेरे साथियों इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ प्रश्न के साथ, अगर ये बातें समझ में आ रही हो तो आगे की क्लास में लेके चलते हैं। मेरे साथियों ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपके इसी ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ से आप नोट्स बनाइएगा, यहाँ से आप नोट्स बनाते रहिएगा। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, समय कम है, थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे, बहुत तेज़ी से चलेंगे। मंजरी जी थोड़ा सा अलर्ट होना है, थोड़ा सा एकाग्र होना है, कॉन्सेंट्रेट होना है, आप लोग कर सकते हैं और आप ही लोग कर सकते हैं, यही मेरा भरोसा और घमंड, जो कहिए हमें घमंड है आप पे, ये मेरी गलतफहमी हो सकती है और होगी तो होने दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सोशल के क्वेश्चन है आपके साथ जो हमारे ईवीएस में पढ़ते हैं, उसको मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ। देश में भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया था, ईरानियों और यूनानियों ने, देखते जाइएगा आप धीरे धीरे। कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई है 3214, कश्मीर से कन्याकुमारी 3214, याद रखिएगा 3214। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में सातवां, जनसंख्या के दृष्टि से बताओ कौन सा स्थान है, आप लोग बताओ जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, पहले सबसे पहले कौन बताएगा, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दूसरा। मंजरी वाह यार तुम तो बहुत, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हैं, वेरी गुड गुड, कीप इट, इसको बनाए रखिए। कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा। देखिए निम्न में से किस किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है। देखिए सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेशों में चुनी हुई सरकार कार्य नहीं करती है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे दमन दीव है, कुछ ऐसे जगह है जहां पे चुनाव नहीं होते हैं, तो चुनाव होने वाले बहुत कम है। जैसे एक दिल्ली है, दिल्ली में चुनाव होता है, दिल्ली के अलावा पुडुचेरी है, इसी दोनों जगहों पे चुनाव होते हैं। इसके अलावा अगर कश्मीर एक ऐसा होगा जिसमें चुनाव हो सकता है, बाकी जगहों पे चुनाव नहीं होते हैं। प्रशासक नियुक्त होते हैं, आप जानते हैं उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं तो याद रखिएगा महाकना महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा के पड़ोसी राज्य महाकना महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा के पड़ोसी राज्य। मणिपुर त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है, मिजोरम। मणिपुर त्रिपुरा और असम से मिजोरम घिरा हुआ है, इसको तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, मैप देख के ही कर सकते हैं, मैप देखना पड़ेगा। मैप में आज स्लाइड में ऐड नहीं किया हूँ, अब मैं बनाऊंगा तो भारत की जगह पे चाइना बन जाएगा, पता चलेगा कि बांग्लादेश भी भारत में आ गया है, चाइना का कुछ हिस्सा भारत में आ गया है।
किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है? गुजरात। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जब रिपीटेड क्वेश्चन आपके देख रहा था तो इसमें ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में है, एमपी टेट में है, ये स्टेट टेट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा तटीय है? गुजरात। गूगल पर मैप है, वेरी गुड। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, याद रखिएगा 8848 मीटर है एवरेस्ट, एवरेस्ट है 8848 मीटर, गाडविन आस्टीन 8611, जिसको काराकोरम में है, याद रखिएगा काराकोरम कंचनजंगा वाला बोला जाता है यहाँ पे कहानी। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, ये तो आप भी जानते हैं, लद्दाख में एक भारत का सैनिक मरा था, उस समय वहाँ का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस था और एक जांच का विषय था कि हनुमत थप्पा जो है, नाम उनका याद करा दे, हनुमत थप्पा जो थे -35 डिग्री सेल्सियस पे 7 दिनों तक जिंदा रहे थे। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश लद्दाख, यहीं पे प्योंग झील है जहाँ पे मामला चाइना का जो विवाद चल रहा है वो यहीं पे चल रहा है, लद्दाख वाले सीन में ही। प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है? लघु हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है, प्रायद्वीप के पठार का आकार जो है वो त्रिभुजाकार बना हुआ है, ठीक है। तो आप विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली की, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा। मैं सारे ऑप्शन के साथ आंसर को लाया गया है कि थोड़ा सा आप लोग लगातार बने रहेंगे और चीज़ें आपके पास रहेंगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8, एकदम याद रखना कर्क रेखा 8, काट याद रखना मेरे साथियों, क्या याद रखोगे? काट, काट याद रखना, 8 याद हो जाएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 2 भागों में बांटती है। ये पाक जल संधि आप लोग जानते हैं, भारत श्रीलंका जल रब्रु मध्य के बीच में बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? देखिएगा इसमें 2 नदी है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो 2 नदियां हैं ये उल्टा बहती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ताप्ती आया है या तापी आया है, कहीं पे नर्मदा भी आ सकता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है, इतना है, इतना है। देखो पश्चिम में बंगाल की खाड़ी नहीं है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी नहीं है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में तो अरब सागर है ना, ध्यान देना है। चलिए लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर, यार नक्शा याद रखो, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर। किस राज्य में, भारत में से किस खनिज देखो खनिज कहाँ पे मिलेगा, तो खनिज जहाँ पे मिलेगा, खनिज भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है इस क्षेत्रों में खनिज ज़्यादा मिलते हैं, खनिज जो है प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्रों में क्या मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। निम्न कथनी पर विचार कीजिए, भारत का दक्षिण, हाँ एक बात देखिए, कौन सा कथन सत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट एकदम सही है, पश्चिम घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एकदम सही है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एकदम सही है। देखिए नर्मदा नदी डेल्टा कैसे बनाएगी, उल्टा बहती है। और एक और समस्या है इसके बारे में आप लोग, ये भूगोल का टॉपिक हो जाएगा ठीक ना। निम्न में से किस पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है? देखिए सबसे बड़ी बात है, इस बात को देखिएगा, ऐसे हम लोग एकदम अनजान बन के इसको पढ़ सकते हैं, आप समझिएगा हाइट पे, आप ऊपर जाएंगे दबाव कम होगा तो ऊंचाई जो है वो भी जलवायु पे निर्भर करती है, स्थिति पे, स्थिति पोजीशन भी आपका क्या करता है, ये भी जलवायु पे निर्भर है। समुद्र से दूरी, समुद्र से ज़्यादा दूर होंगे दबाव पे प्रभाव आएगा, हवा पे प्रभाव आएगा, ये तीनों जो है जलवायु के निर्भर करने के कारक हैं। लौटते हुए मानसून की वर्षा, याद रखिएगा भारत में मानसून यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ से ऐसे घूम के आता है, तो लौटते हुए मानसून कहाँ पे जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उल्टा मानसून, भारत में यहाँ से मानसून प्रवेश करता है।
सुंदरवन डेल्टा का मुख्य वृक्ष सुंदरी है, इसी के नाम पे तो नाम पड़ा था। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के लाट स्तंभ में से लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह? जिसमें तीन शेर देखे होंगे एक दूसरे से पीठ से पीठ मिलाए। ये स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में है, वाराणसी के पास, अशोक ने बनवाए थे, इसको याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय जलीय जीव सुसु, ये भी गलत है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? एक मछली है, क्या नाम है उसका, डॉल्फिन, सॉरी मुझे याद भूल गया था, डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम है, देखिए शेर बाघ और चीता, ठीक है ना, तो आप जानते हैं इसमें से राष्ट्रीय पशु कौन है, जिस किसको पार्टिकुलर को कहते हैं, तो शेर जो है, बब्बर शेर जो बाघ वाला कहानी है, वही राष्ट्रीय पशु में आएगा। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। ये कहानी तब की है जब भारत जनसंख्या भारत की कौन सी काउंट हो रही है, 2011 वाली, ठीक ना, उसके अनुसार इतनी है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जब नई जनसंख्या काउंट हो जाएगी तो उस हिसाब से नया अपडेट आएगा, अभी तो यही चलेगा। सुमेलित कीजिए सर्वाधिक जनसंख्या, बेटा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के ट्रिक देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम चीजों को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने में देखिएगा, यहाँ पे दो पांच पांच कॉमन है, यहाँ पे दो 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 कॉमन है, यहाँ दो दो चार चार कॉमन है, दो तीन तीन कॉमन है। जब कॉमन के तरफ जाएंगे तो एक टेक्निक हमारी फेल हो जाती है क्वेश्चन करने का, इसमें इस ऑप्शन में एक टेक्निक फेल हो जाती है कि कॉमन में आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश वाला यानी ए का दूसरा दो ऑप्शन में है, या तो बी होगा या तो सी होगा। जैसे आप एक और ढूंढ लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, यानी चौथे का वन, तो चौथे का वन यानी सीधा आपका सेंसर सी सही होगा, दो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये कोशिश ऐसे करते हैं कि कम से कम ऑप्शन से सही क्वेश्चन करें, कम से कम ऑप्शन से सही क्वेश्चन करें। ये दो बार केरल दे दिया गया है, एक बार ऑप्शन में कुछ और रहा होगा, ठीक ना। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, एकदम सही है। दो तरीके होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड में हम सिखा रहा हूं आपको, देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग को ऑप्शन नहीं मालूम है कि कौन सा कथन असत्य है, जनसंख्या की बात कर रहा है तो हमको नहीं पता है कि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गलत की बात कर रहा है। असत्य का मतलब इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सी कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है, तो ये तो सही है ना, सबसे कम साक्षरता वाला दर बिहार है, सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्यों होगा, ये भी सही है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ये भी सही है। देखिएगा इसमें जो क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सिक्किम से छोटा राज्य है, गोवा के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, ये गलत है और इसमें गलत ही पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो यही गलत है, इसी को ऑप्शन चुन लेना है आपको। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, दो बचा हुआ है आपके पास, दो स्लाइड और बची है मेरे पास। तो आप जानते थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये, उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये भी गलत है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये भी गलत है। गृह मंत्री थे ये, गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री जो 5 सितंबर पे जिसका जन्मदिन मनाते हैं, वो थे पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी, पहली महिला राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन से सही सुमेलित है, देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, सी राजगोपालचारी और लॉर्ड माउंटबेटन, पहले अंग्रेज थे लॉर्ड माउंटबेटन और पहले भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है भारतीय पहले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध आप जानते हैं,
निम्न में से किसको शहीद आजम कहा जाता है? शहीद आजम भगत सिंह, नाम पढ़ते ही आपको ध्यान पे आ जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं बोलिए? शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम जो है भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को या महात्मा भी कहते हैं, बापू कहते हैं, लाला लाजपत राय लाल बाल पाल वाले में इनका नाम आया था। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त हो गई, और आपके लिए एक लास्ट एक कोट है कि जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। इस समय बिखरने का था, कोरोना का पेंडेमिक टाइम में सब लोग बिखर के अब निखरने के तरफ हैं, और उलझ के अब सुलझने के तरफ हैं साथियों। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं अभिषेक त्रिपाठी माई अकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबसे आज विदा लेता हूं साथियों। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो 2 बजे से है, आपकी आपकी नहीं है दोस्तों, ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है दोस्तों, यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Thank you.